अगली एप्पल और ब्यूटीफुल एप्पल, ऑब्वियसली ब्यूटीफुल एप्पल, कोई गधा ही होगा जो अगली एप्पल चूज करेगा। मम्मी मैंने ब्यूटीफुल एप्पल चूज किया, मैं इसे जा रही हूँ खाने। नहीं रिंकी बेटा रुको, उस एप्पल को मत खाना। लेकिन मम्मी जब तक मैं ये एप्पल नहीं खाऊंगी तब तक मैं ब्यूटीफुल कैसे होंगी? नहीं प्लीज तुम इसे मत खाना, ये तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है लेकिन मैं इसे फेंकने वाली नहीं हूँ। प्लीज क्या तुम मुझे अपना एप्पल दोगी? मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगी। नहीं मैं उससे ज्यादा दूंगी लेकिन मुझे दे दो। मैं तुम्हें 40,000 दूंगी लेकिन मुझे दे दो। एक सेकंड गाइस, ये एप्पल बेचने के लिए नहीं है, प्लीज तुम मुझे बेच दो, तुम अमीर हो जाओगी। तुम लोग इस एप्पल को इसलिए खरीदना चाहती हो क्योंकि तुम लोग को ब्यूटीफुल होना है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं इस एप्पल को नहीं बेचने वाली। ठीक है मत बेचो लेकिन देख लेना एक दिन तुम इस एप्पल की वजह से पछताओगी। आज 10 लड़कों ने मुझसे पूछा कि वो मेरे साथ डेट पे जाना चाहते हैं। हाँ मुझसे भी। और रिंकी तुमसे कितने लोगों ने पूछा? मुझे तो किसी ने नहीं पूछा, वो इसलिए क्योंकि अभी तक तुमने ये एप्पल नहीं खाया। ओह माय गॉड, हमारे स्कूल में तो सबको इतना सुंदर हो गया है। हे जल्दी से वो तुमने जो हाथ में एप्पल पकड़ा है उसको फेंक दो। लेकिन क्यों? क्योंकि वो एप्पल तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। खैर मेरी मम्मी भी मुझे यही बोल रही थी। बेब तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो, है ना? ऑब्वियसली तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। हाँ तो प्लीज तुम भी एप्पल खा लो ताकि तुम भी बाकी लड़कियों की तरह ब्यूटीफुल हो जाओ। लेकिन क्या तुम चाहती हो लोग मेरा मजाक बनाए ये बोल के कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड अगली दिखती है? ठीक है मैं खाती हूँ। यस पता नहीं इस एप्पल को खाने के बाद क्या होगा। अब तो मैं ब्यूटीफुल हो गई होंगी ना। हाँ अब फाइनली मैं लोगों को बता सकता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। इसका मतलब अब सीक्रेटली डेट नहीं करेंगे? हाँ आज से और अभी से मैं सबको बताऊंगा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। ये तो वही अगली दिखने वाली लड़की है। क्या सिर्फ ये मुझे ही ब्यूटीफुल लग रही है या फिर सच में ऐसा है? वैसे तुम हमारे ग्रुप को अब ज्वाइन कर सकती हो। तुम बस इसीलिए चाहती हो कि मैं तुम्हारा ग्रुप ज्वाइन करूँ क्योंकि अब मैं ब्यूटीफुल हो गई हूँ। हाँ ऑब्वियसली हमारे ग्रुप में सिर्फ ब्यूटीफुल लड़कियां अलाउ हैं। सॉरी लेकिन मैं नहीं ज्वाइन करने वाली क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओके तुम्हारा लॉस। मम्मी मैं घर आ गई। तुम कौन हो? तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? मैं आपकी बेटी हूँ, आप भूल गई क्या? हाँ तुम्हारा फेस चेंज लग रहा है, इसका मतलब तुमने मेरे मना करने के बाद भी वो एप्पल खाया। मुझे पता आपने मुझे मना किया था लेकिन चुप रहो, मुझसे दूर रहो, मुझसे बात मत करना। ये इस तरह से एक्टिंग क्यों कर रही है? हे अगर तुमने एप्पल खा लिया तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। पैसे सिर्फ ये एप्पल खाने के लिए? तो बोलो तुम ये खाओगी या फिर नहीं। ठीक है। वाह अब तो मैं और सुंदर लग रही। ये लो जैसा कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था अपने पैसे। थैंक यू। ये एप्पल कितना टेस्टी है। रिंकी ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे नाक से खून निकल रहा। मम्मी काम डाउन, मुझे अपने डिसीजन पे कोई भी रिग्रेट नहीं है, ऊपर से मैं तो इतनी सुंदर लग रही हूँ। बेटा मुझे बस तुम्हारी फिक्र हो रही है, तुम खूबसूरत बनने के चक्कर में अंधी हो गई हो, आई होप तुम्हें जल्दी समझ में आ जाए। हे रिंकी क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? हे मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ प्लीज। चुप कर तोतले। गाइस प्लीज मेरे लिए मत लड़ो। भाव खा रही? रिंकी मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने वो एप्पल खाया। सर आप पहले ऐसे इंसान है जिसने मुझसे ऐसा बोला। अगर तुमने वो आखिरी एप्पल खा लिया तब तुम्हारी शादी शहर के सबसे परफेक्ट इंसान से होगी और उसके बाद तुम अपनी जिंदगी आराम से जी सकती हो। लेकिन ये है कौन? वो एक सीईओ है, जब तुम ये एप्पल खा लोगी तो वो तुमसे मिलने आएगा। बेब चलो वॉक पे चलते हैं और मैं तुम्हें अपने फ्रेंड से भी मिलवाऊंगा। सॉरी हमें ब्रेकअप करना होगा क्योंकि मेरी शादी शहर के सबसे परफेक्ट इंसान से होने वाली है जो कि बहुत अमीर है और सीईओ है। रिंकी तुम तो बेवफा निकली, और गोल्डिंगर भी। सीईओ से मिलने से पहले मैं जल्दी से एप्पल खा लेती हूँ। एक्सक्यूज मी क्या आप ही वो सीईओ है जो मुझसे शादी करना चाहते हैं? हाँ तुम सही बोल रही हो और हमारी शादी आज ही होगी। सारा कमाल उस एप्पल का है। ओके चलो चलते हैं, आज के बाद से तुम यही रहोगी इस इतने लंबे टावर के अंदर। हाँ क्यों तुम्हें पसंद नहीं आया? और हाँ तुम्हें बाहर निकलने की परमिशन नहीं है। हेलो तुम सीईओ की 100th वाइफ हो, तुमसे मिलके अच्छा लगा। हाँ मुझे मम्मी की बात मान लेनी चाहिए थी। उसके बाद जिन लड़कियों ने ब्यूटीफुल एप्पल खाया था उसके साथ साथ रिंकी भी उस टावर के अंदर हमेशा हमेशा के लिए कैद हो गई।